नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान ताउते ने मचाई तबाही। खरीदी केंद्रों पर रखा 32,000 क्विंटल गेहूं हुआ खराब। अब प्रत्येक विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में एनसीसी का एक विषय होगा शामिल। आदिवासी बस्तियों में घुसा पानी, विधायक खुद ही फावड़ा लेकर निकालने लगे पानी। खबरें अब विस्तार से। ताउते तूफान की तबाही। खरीदी केंद्रों पर रखा किसानों का तकरीबन 32,000 क्विंटल गेहूं हुआ खराब। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने जहां देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ऐसे में अब लोगों को ताउते तूफान की तबाही की मार भी झेलनी पड़ रही है। देश भर में जहां बीते दिनों ताउते तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में रीवा जिले में भी तूफान की तबाही देखने को मिली है। जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में रखा किसानों का तकरीबन 32,000 क्विंटल गेहूं बरसात की मार से खराब हो गया और उसे देखने वाला कोई नहीं रह गया। रीवा में बीते दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते खरीदी केंद्रों पर रखा गया किसानों का गेहूं खराब हो गया। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने जहां देश और दुनिया को हिलाया है, वहीं ताउते तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि एक ओर कोरोना की मार के चलते किसान परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशासनिक उदासीनता और घटिया भंडारण व्यवस्था की वजह से खुले में रखा अनाज बारिश की भेंट चढ़कर बर्बाद हो रहा है। पिछले दिनों बारिश के चलते कई खरीदी केंद्रों में खुले में रखा लगभग 32,000 क्विंटल अनाज बारिश से भीग कर खराब हो गया। तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जिले में लाखों रुपए के गेहूं का परिवहन न होने के कारण खुले में पड़ा गेहूं भीग गया। मौसम विभाग द्वारा सूचना के बाद प्रदेश भर के साथ रीवा में भी ताउते तूफान का असर देखने को मिला है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हुई है, जिसके चलते करहिया कृषि उपज मंडी के अलावा जिले भर के कई खरीदी केंद्रों में खुले में रखा 32,000 क्विंटल गेहूं बारिश से प्रभावित हो गया। हालांकि खाद्य विभाग का ये मानना है कि बारिश से प्रभावित इस गेहूं को समय पर धूप और हवा मिल जाती है तो फिर से नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है, उसको उपयोग में लिया जा सकता है। हालांकि जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, उससे अच्छी धूप आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा पूर्व से ही बारिश की चेतावनी प्रदेश के कई संभागों में जताई जा रही थी। तेज हवा के साथ हुई बारिश के चलते कृषि मंडी के अलावा जिले की कई तहसील और कई क्षेत्रों में खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा गेहूं गीला हो गया है। रायपुर गंगेयो ब्लॉक में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है और कई जगह पर थोड़ा थोड़ा लेकिन नुकसान हर जगह हुआ है। इस संबंध में प्रस्तुत है MNH खान, खाद्य आपूर्ति अधिकारी रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। ठीक है, नेता के विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो कार्रवाई की जाएगी। रबी उपार्जन के अंतर्गत गेहूं खरीदी केंद्र हमारे 122 खरीदी केंद्र जिले में संचालित हैं। सभी खरीदी केंद्रों से हमने जानकारी कलेक्ट की थी, जिसमें 31,615 कुंटल गेहूं बारिश से प्रभावित होना बताया है आंशिक रूप से। उसमें ये बात आई है कि अगर ये गेहूं को समय पर धूप और हवा मिल जाती है तो फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है और उसको क्या नाम है उपार्जन में लिया जा सकता है। अब ये कंडीशनल है कि बारिश जो है लगातार अगर होती रहेगी, नहीं सूखेगा तो ज़रूर उस पर असर आएगा, वरना अगर धूप आ गई और हवा खा गया तो काफ़ी कुछ हमारा स्टॉक सुधर जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। तकरीबन सभी इलाके में थोड़ा बहुत है, कुछ इलाकों में तो बिल्कुल नहीं है। जैसा आपका हनुमाना महूगंज में, वहाँ पर खरीदी भी कम है, उस इलाके में ज़्यादा खरीदी केंद्रों में स्थिति ऐसी निर्मित नहीं हुई है। लेकिन जो ज़्यादा निर्मित हुई है वो हमारे रायपुर डिवीज़न में और आपके क्या नाम है ये गंगेयो डिवीज़न में जो है देखने को मिली है। प्रत्येक विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में एनसीसी का एक विषय होगा शामिल। युवा वर्ग को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखने के साथ साथ देश एवं जनसेवा की भावना पैदा करने के लिए एनसीसी का एक विषय सभी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है।
प्रत्येक विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में एनसीसी का एक विषय होगा शामिल। एनसीसी अधिकारी ने दी जानकारी। युवा वर्ग को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखने के साथ साथ देश एवं जनसेवा की भावना पैदा करने के लिए एनसीसी का एक विषय भी सभी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के साथ साथ एनसीसी एक विषय भी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी होंगे। यही नहीं, रिजल्ट के साथ साथ एनसीसी के अंक भी रिजल्ट में शामिल किए जाएंगे। ये जानकारी एनसीसी कार्यालय में पहुंचे एनसीसी के अधिकारी कर्नल अनुराग मेहरा के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि यह एक इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट के रूप में विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में अनिवार्य किया जाएगा, जिसकी परीक्षा 3 साल में 6 सेमेस्टर में ली जाएगी और इसमें विद्यार्थी को 24 पॉइंट भी दिए जाएंगे। आइए सुनते हैं एनसीसी अधिकारी कर्नल अनुराग मेहरा से प्राप्त जानकारी के। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पारित हुआ है एनसीसी के लिए और ये एक सुन के एक बड़ी एक खुशखबरी की लहर दौड़ी है कि जितने भी विद्यालय और विश्वविद्यालयों में जहां एनसीसी चल रही है वहां अब एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ऑफर हो रहा है, जिसके टोटल 3 साल में 6 सेमेस्टर्स में ये बांटा जाएगा। तकरीबन 24 क्रेडिट पॉइंट्स उसके दिए जाएंगे। ये जो ऑर्डर आया है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है और यहाँ से जो छात्रों की जो कैरेट्स हैं जब ये पास आउट होंगे एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट लेके, तो उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और एनसीसी का जो मेन एम है कि एक डिसिप्लिन्ड नागरिक को तैयार करने के, वो हुई उसी तरफ ये एम को ध्यान में रखते हुए ये एक वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी अब हर विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। जय। एमपीआरडीसी की लापरवाही के कारण आदिवासी बस्तियों के 2 दर्जन से अधिक घरों में घुसा पानी, गिरे घर। रीवा के महुगंज विधानसभा क्षेत्र के हनुमना शाहपुर रोड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जुनपुर पैकान में एमपीआरडीसी के द्वारा रोड का निर्माण किया गया था। हम आपको बता दें कि ताऊते तूफान का असर हर जगह दिखाई दे रहा है। खबर रीवा जिले के महुगंज विधानसभा क्षेत्र के हनुमना शाहपुर रोड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जुनपुर पैकान की है, जहां एमपीआरडीसी के द्वारा रोड का निर्माण किया गया था। ये एक लापरवाही साबित हो रहा है। वहीं जहां अर्जुनपुर के आदिवासी बस्ती की आबादी है, जहां पर पानी निकासी के लिए पुल निर्माण किया गया था, जहां तेज बारिश होने से 2 दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया, कुछ घर गिर गए, जिसे एमपीआरडीसी की पूरी लापरवाही सामने आई है। वहीं कई घरों में पानी घुस जाने के कारण वहां के निवासी 2 रात बाहर ही बिताए एवं उनका गल्ला कई तरह के नुकसान उठाना पड़ा, जहां गुस्साए परिजनों ने आज सुबह से ही चक्का जाम कर दिया। मौके पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, एसडीएम एके सिंह, तहसीलदार अजय मिश्रा, नायब तहसीलदार एवं जनपद सीओ मुगा राम मेहरा एवं थाना प्रभारी शैल यादव अपनी टीम के साथ पहुंचे। वहीं विधायक के द्वारा एमपीआरडीसी के मैनेजर को बुलाकर ठीक करवाने का आश्वासन दिया गया एवं मुआवजा देने को निर्देशित किया गया। वहीं विधायक मौके पर पहुंचकर वहां का हाल देखा और बेहाल हो गए। विधायक खुद ही फावड़ा लेकर पानी एवं मिट्टी हटाने लगे। वहीं मौके में पानी निकासी का प्रबंध किया गया और जेसीबी से रास्ता को साफ किया गया। फिलहाल के लिए एमपीआरडीसी को निर्देशित किया गया है कि पुल का निर्माण किया जाए। अब आगे देखना ये होगा कि एमपीआरडीसी के द्वारा पुल निर्माण किया जाता है या नहीं। वहीं देखा जाए एमपीआरडीसी के द्वारा हनुमना शाहपुर रोड से चौरा घाट तक जो रोड बनाई जा रही है वह एक जगह की समस्या नहीं है, ये कई जगह ऐसी समस्या आ रही हैं जो एमपीआरडीसी की घोर लापरवाही का प्रतीक है। इस संबंध में प्रस्तुत है पीड़ितों एवं प्रदीप पटेल, विधायक महुगंज से प्राप्त जानकारी के अंश। पूरा घर भरा है। अब कहाँ जाई, कहाँ रहा आन की घरे गल्ला ढोए के धरन है और सगला भीज पर अलग है।
मतलब रात बहुत समस्या बीत है। बहुत समस्या बीत है, भगवान ने पुलके पुलके सिर में लग गए, आंखें आंखों में बनवान है। लक्ष्मण कौन? ये हमारे घर में पानी अंदर आ गया, उधर से बाहर से ये पुलिया जाम के कारण पूरे घर में पानी आ गया है। तहसीलदार विधायक जी आए थे तो बोले वो सब ये नाली वाली खुदवाने के प्रयास करे तो पानी थोड़ा बहुत निकल गया है और बाकी अभी नाली में भरा हुआ है और घर के माने नुकसानी ज़्यादा हुई है। वही नुकसान के बारे में कोई मुआवजा दिलाने के लिए बोले हैं जी? कह रहे हैं कि विधायक जी जो नुकसानी हुई उसके पटवारी साहब मूल्यांकन करके और उनको मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। हमारा नाम ममता कोल है। कैसे पानी सर 11 बजे से बारिश होने की वजह से सारा रात पानी जब बरसने लगा 2 बजे से हम लोगों को मतलब 12:30 बजे से पानी अंदर प्रवेश करने लगा है। जब पूरा घर पैक होगा तो इसके वजह से पूरी दीवार है हम लोगों की फटने लगी, घर बैठने लगा और जो आसपास में घर थे एकाध दो घर गिर भी गए हैं अगल बगल के। वो लोग बोल के यही गए हैं कि हम इसकी कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे, जो मिलेगा सरकार उसका भी मुआवजा आपको तत्काल भेजेंगे, ये बोल गए हैं वो लोग। और हम लोग हम यही चाहते हैं कि शासन हम लोगों को व्यवस्था दे। हम लोग बरसात में कहाँ लेकर, इतने इतने बच्चे हैं कहाँ पर जाएंगे, क्या खाएंगे पिलाएंगे, चावल गेहूँ आटा सब भीज गया है, घर में रहने के लिए डर लग रहा है कहीं गिर न पड़े, कहाँ पर जाएंगे बरसात में हम लोग। हमारे पास जितनी ही जल्दी उनके पास सुरक्षा हो, कुछ भी हम लोग का आधार दें, हम लोग कहीं भी तंबू तन कर कुछ भी तन कर रहेंगे तब से सरकार कुछ भी आश्रय देगा हम लोगों को। बच्चे रो रहे हैं भूख से। ये अर्जुनपुर में आदिवासी बस्ती है और आज सवेरे हमारे पास फ़ोन आया लगभग 5:30 बजे यहाँ के सरपंच का। तुरंत मैंने कलेक्टर को लगाया, SDM को लगाया और वो लोग भी पहुँचे यहाँ, हम भी आकर के पहुँच गए। तुरंत मशीनें लग करके पानी निकलवाया गया और अभी फ़िलहाल यहाँ का पानी निकल गया है और आवश्यक निर्देश SDM को दिए गए हैं और पटवारी भी यहाँ के कोई बीमार थे तो दूसरे पटवारी को ले आ करके तत्काल उसका वो पटवारी आ गए हैं, सब सर्वे करके और जिसको जो यथाउचित मुआवजा होगा वो भी दिया जाएगा और जिनका घर पूरा गिर गया उनको अस्थायी तौर से अभी क्या तत्काल व्यवस्था होती उसके लिए भी निर्देश दिए गए। MPRDC को, चूँकि MPRDC की सड़क है, MPRDC के इंजीनियर भी आ गए हैं, उनको बोला गया है कि यहाँ से लेकर के गौरी तक जहाँ तक ये सड़क बनी है दोनों तरफ वो जाँच करके देखें, बस्तियाँ हैं तो पानी की निकासी है, क्रॉसिंग है कि नहीं है और जहाँ ज़रूरत होगी तत्काल रूप से उसको अगर रोड काटने की भी जरूरत पड़ी तो काट करके वो पानी की निकासी की व्यवस्था बनाई जाए। खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ किया गया बलात्कार, रीवा के महिया थाने में मामला हुआ दर्ज। रीवा शहर में एक युवती को झांसा देकर आरोपी उसे अपने साथ बहन के घर ले गया, जहां 5 दिनों तक आरोपी ने उसे बंधक बनाकर रखा। हम आपको बता दें कि इस घटना के संबंध में आरोपी उस पर शादी का दबाव डाल रहा था और खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। युवती ने इस घटना की शिकायत रीवा के अमहिया थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार युवती दुकान में काम करती थी, युवती चौराहा थाना क्षेत्र में रहती थी। युवती इस घटना की शिकार हुई है, दरअसल वो शहर में स्थित एक दुकान में काम करती थी और प्रतिदिन वो दुकान आया जाया करती थी। घटना दिनांक को भी वह दुकान से काम करके वापस जाने के लिए सिरमौर चौराहे में ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी उसका परिचित राकेश तिवारी निवासी हरदी थाना चौराहा ऑटो लेकर आया और उसको गांव छोड़ने का झांसा देकर ऑटो में बिठा लिया। आरोपी के नापाक इरादों से बेखबर युवती गाड़ी में सवार हो गई। वो पीड़िता को ऑटो से रिमारी गांव अपनी बहन के यहाँ लेकर गया, जहाँ पर उसने उसको बंधक बना लिया। आरोपी उस पर शादी का दबाव डालता रहा और युवती को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला देता था और उसके बाद पीड़िता के साथ बलात्कार करता रहा। 5 दिनों तक युवती उसके चंगुल में कैद रही और एक दिन दोपहर मौका मिलने पर वो घर से भाग गई और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस घटना के बाद आरोपी पीड़िता को लगातार धमकियां दे रहा था, घटना की रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी।
वहीं पीड़िता की शादी तोड़वाने की भी धमकियां दे रहा था, जिसकी वजह से पीड़िता ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन जब उसकी धमकियां बढ़ गई तब युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में हम आपको बता दें कि अमहिया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल ने बताया कि युवक पिछले एक वर्ष से युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था, जिसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। आइए सुनते हैं इस संबंध में थाना प्रभारी अमहिया से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला है, फरियादिया ने रिपोर्ट लिखाई हुई है कि आरोपी राकेश तिवारी निवासी हरदी थाना चोरहटा ने और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से जो है इसको दवाई नशीली दवाइयों का सेवन करा के इसके साथ इसका शोषण किया है, जिसकी रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है इसको। सर, इसमें क्या तथ्य निकल के आ रहे हैं, मतलब कितनी सच्चाई होगी इस मामले? तथ्यों की बात करें तो आरोपी पक्ष का ये भी कहना है, उसके परिजनों का कहना है कि इन्होंने किसी भी माध्यम से विवाह भी रचाया हुआ है, पर विवाह के कोई भी साक्ष्य जो है, पुख्ता साक्ष्य जो है, जो कानूनन वैध हैं, वो अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं लोग। इसमें जो है गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उससे आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कितने साल से रिलेशनशिप में थे, कुछ भी क्या चीज़ें थी इनके संबंध? आरोपी के परिजनों का कहना ये है लगभग एक साल से संपर्क में थे। शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के राशन कार्डधारियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने रीवा शहरी एवं ग्रामीण वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना में शामिल कराते हुए निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हम आपको बता दें कि राज्य शासन द्वारा अप्रैल मई एवं जून माह का खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 10 किलो प्रति सदस्य के मान से 2 माह का खाद्यान्न भी निःशुल्क दिया जा रहा है। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर MNH खान ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जब भी वो खाद्य सामग्री प्राप्त करें तो बिल अनिवार्य रूप से लें। अगर बिल देने में सेल्समैन द्वारा आनाकानी की जाती है तो वो सीधे डॉक्टर MNH खान से शिकायत कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया है। हम आपको बता दें कि कुछ सेल्समैनों द्वारा भोले भाले ग्राहियों से अंगूठा लगवाकर उन्हें कम खाद्यान्न दिया जाता है तथा उन्हें उसकी पर्ची भी नहीं दी जाती है। इस संबंध में आइए सुनते हैं MNH खान से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, COVID-19 के तहत मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो अप्रैल मई जून 3 महीने का जो रेगुलर आवंटन है पात्रताधारी परिवारों को, वो पहले 1 रुपये किलो के हिसाब से अनाज जो है दिया जाता था, गेहूं चावल, अब शासन ने उसको फ्री कर दिया है कि जो खाद्यान्न दिया जा रहा है वो निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन ये आदेश हमको 19 अप्रैल में प्राप्त हुए थे, तो उसके पहले जितना वितरण हुआ है वो पैसे से हुआ है। ऐसे उपभोक्ता जिनको पैसे से अप्रैल मई का मिल चुका है या सिर्फ अप्रैल का मिला है, आपके मई जून का फ्री मिला है, उनको जुलाई में जो है फ्री का पात्रता रहेगी, और वो उपभोक्ता जिनको अप्रैल मई जून का फ्री में मिला हुआ है उनको जुलाई में पैसे से लेना होगा। इसी तरह से अप्रैल मई में अगर 2 महीने का उपभोक्ता ले चुका है तो उसको क्या नाम है 2 महीने उधर जुलाई अगस्त का फ्री में मिलेगा। इसके अलावा केंद्र शासन भी 2 महीने का मई जून का जो है 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से खाद्यान्न दे रही, खाद्यान्न में वो केंद्र शासन गेहूं के रूप में दे रही। इस प्रकार 2 महीने का 10 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से गेहूं दिया जाएगा। जो पात्रताधारी परिवार के परिवार में जितने सदस्य हैं उस सदस्य के हिसाब से 10 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से निःशुल्क गेहूं वितरण किया जाएगा। 3 महीने का जो वितरण है अप्रैल मई जून का लगभग पूर्णता की ओर है, कुछ दुकानों में जहाँ विलम्ब से पहुँचा है वहाँ जून का कोटा वितरण हो रहा है, और बाकी जो आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अतिरिक्त 2 महीने का जो निःशुल्क 10 किलो गेहूं के रूप में खाद्यान्न दिया जा रहा है वो इस महीने से 1-2 दिन बाद वो प्रारंभ हो जाएगा। आज शायद पोर्टल पर दिखना शुरू हो गया है, तो जैसे जैसे दुकानों में स्टॉक पहुंच रहा है उस हिसाब से वो 2 महीने का अतिरिक्त वो भी वितरण हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से रीवा ज़िले के उपभोक्ताओं को एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय उपभोक्ता हैं ये उचित मूल्य दुकान में जाते हैं तो इनको जो खाद्य सामग्री मिल रही है
जो उपभोक्ता सामग्री मिल रही है इसका बिल दुकानदार से अनिवार्य रूप से लें। अगर कोई दुकानदार बिल देने में आनाकानी करता है या नहीं दे रहा है या देने के बाद वो जमा करा ले रहा है तो मेरा अपना मोबाइल नंबर जो है 91 110 28 118 है, इस मोबाइल नंबर पर वो सीधे मुझे सूचना दे सकते हैं ताकि उनको हम नियमानुसार जो उनको बिल मिलना चाहिए वो बिल दिला सकें। बिल ही उसकी वितरण की एक पारदर्शिता का उदाहरण है। अगर बिल हमारा उपभोक्ता को मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर ये उपभोक्ता सामग्री में कहीं शिकायत की बात नहीं आएगी कि उनको क्या नाम है पात्रता कुछ और थी, उनको दिया कुछ और गया। जब बिल मिल जाएगा तो बिल अनुसार अगर उनको उपभोक्ता सामग्री मिल रही मतलब उतना ही उनको मशीन से सामग्री निकाली गई है आपके माध्यम से। मैं कई जगह देखा हूँ, उपभोक्ताओं से बात भी किया हूँ, उपभोक्ताओं के पास से रसीदें लिया भी हूँ। उपभोक्ता रसीदें सब जगह तो ऐसी स्थिति नहीं है, बाकी मिल रही है। हाँ, कुछ जगह ज़रूर उपभोक्ता को जब वो खाद्यान्न मिल जाता है तो फिर उसको जमा करा लेता है, जबकि वो जमा नहीं कराना चाहिए, उपभोक्ता के पास ही उसको रहना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।